ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको बता देता हूं कि पेटीएम में आप अपनी ईमेल आईडी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है अपनी पेटीएम ऐप। तो चलिए फटाफट ओपन कर लेते हैं पेटीएम ऐप को और फिर बताता हूँ आपको आगे की प्रोसेस। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से होम पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा करना है नीचे स्क्रॉल डाउन और फिर आपको जाना है प्रोफाइल सेटिंग्स पे। जैसे ही आप प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का पेज आएगा। आपको दोबारा से प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए भाई, यहाँ पर आपका नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बीच में आपको ईमेल एड्रेस दिखाई देगा जो आपने पहले रजिस्टर करवा चुका है। उसके सामने ही आपको एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाल देनी है अपनी नई ईमेल आईडी, जो नई ईमेल आईडी अब अपने पेटीएम अकाउंट से आप लिंक करना चाहते हैं या जो उसमें अपडेट करना चाहते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्लिक कर देना है अपडेट ईमेल आईडी पर। जैसे ही आप अपडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा पेटीएम की तरफ से। वो ओटीपी आपने अपनी नई ईमेल आईडी पर देख के डाल देना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके अकाउंट, पेटीएम अकाउंट में आपने जो नई ईमेल आईडी दी है वो अपडेट हो जाएगी। एक बार ईमेल आईडी अपडेट होने के बाद आप वापस से प्रोफाइल पेज पर जाकर ईमेल आईडी में चेक करेंगे तो आपकी नई वाली ईमेल आईडी आपको दिखेगी जो आपने हाल फिलहाल में अपडेट की होगी। तो दोस्तों, ये तो थी पेटीएम में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पेटीएम में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं? क्योंकि ईमेल आईडी तो अपडेट करना बहुत आसान है, लेकिन मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको एक अच्छी खासी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट करना पेटीएम में इतना आसान नहीं माना जाता जितना कि ईमेल आईडी अपडेट करना है। तो अगर आपको भी जानना है कि अपने पेटीएम में आप मोबाइल नंबर कैसे अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई। और पेटीएम के ऊपर फिलहाल मैंने एक सीरीज लॉन्च की हुई है जिसमें मैंने पेटीएम के अलग अलग फीचर्स को लेकर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पर नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।